जय भीम साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। आज मैं आप सबके साथ एक छोटी सी खुशी को बांटने आया हूं, क्योंकि आप सब हमारी हर खुशी और गम के साथी हैं। आपके प्यार और सपोर्ट ने द शूद्रा और द न्यूज़ वीक को अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही खास मुकाम पर पहुँचाया है, और यही वजह है कि अब देश दुनिया में लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित मैगजीन आउटलुक इंडिया ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर अपनी पत्रिका का स्पेशल एडिशन निकाला है, और इस कवर स्टोरी का नाम है 50 दलित्स रीमेकिंग इंडिया, यानी 50 दलित जो भारत को फिर से बना रहे हैं। इस कवर स्टोरी में आउटलुक मैगजीन ने देश भर के उन 50 प्रभावशाली दलितों को चुना है जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर जातिवाद और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी है और खुद को साबित किया है। ऐसे 50 दलित जो अपने काम के जरिए भारत को एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां जात पात और ऊंच नीच ना हो। इस लिस्ट में ओलंपिक एथलीट हिमा दास, मशहूर कॉमेडियन जॉनी लिवर, मशहूर क्रिकेटर विनोद कांबली, अपने पिता को साइकिल पर 1200 किलोमीटर दूर ले जाने वाली ज्योति कुमारी, मशहूर फिल्म मेकर पार रंजीत, फिल्म मेकर नागराज मंजूले, मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर नीरज घेवन और पंजाबी गायिका गिनी माही, कारोबारी चंद्रभान प्रसाद, तेलंगाना में शिक्षा क्रांति करने वाले आईपीएस डॉक्टर आरएस प्रवीण, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, दलित दस्तक के संपादक अशोक दास और शून्यकाल के संपादक और लेखक भंवर मेघवंशी जैसे प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल हैं। इन 50 दलितों में मेरा नाम भी शामिल किया गया है। आउटलुक ने दलित समाज की इन 50 दमदार शख्सियतों की लिस्ट में मुझे भी जगह दी है, और साथ ही द शूद्रा और द न्यूज़ वीक के काम को भी सराहा है। देश की प्रतिष्ठित मैगजीन की ओर से मिले सम्मान को मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके बिना हमारे अस्तित्व की कल्पना भी डरा देने वाली है। साथ ही मैं इस सम्मान को आप सबके साथ भी साझा करता हूं, क्योंकि आपके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। इस स्पेशल एडिशन की रूपरेखा तैयार करने और लिस्ट को फाइनल करने में आउटलुक मैगजीन के साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर फेलो डॉक्टर सूरज येंगड़े ने भी अहम भूमिका निभाई है। सूरज ने ही स्पेशल एडिशन का प्रोमो जारी किया। इस संस्करण में डॉक्टर सूरज येंगड़े ने दलित टाइम नाम से एक लेख भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आज दलित समाज चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी कामयाबी के दम पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। इस लिस्ट में मेरा नाम शामिल करने के लिए मैं सूरज भाई और आउटलुक इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब आउटलुक इंडिया के अंग्रेजी एडिशन की कॉपी खरीद सकते हैं, या फिर आउटलुक इंडिया की वेबसाइट पर इस लिस्ट में शामिल तमाम लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। अपना ये प्यार यूं ही बनाए रखें, क्योंकि हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इसी तरह का लंबा सफ़र तय कर रही है भीमा कोरेगांव के महायुद्ध की शौर्य गाथा, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। ये फिल्म 17 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, और साथ ही ये फिल्म आपको करोड़पति बना सकती है। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म आपके लिए लाई है सुनहरा मौका। 500 रुपए का VIP पास खरीदो और 1 करोड़ रुपए का बम्पर इनाम जीतो। साथ ही आप जीत सकते हैं 21-21 लाख रुपए के 5 इनाम। VIP पास खरीदने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। इस QR कोड की मदद से आप UPI, गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के जरिए भुगतान कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने पास खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप रमेश थिएटर फिल्म्स के अकाउंट में सीधे पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट्स की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। पैसे ट्रांसफर होने के बाद आपको 2 काम करने हैं। आपको पैसे ट्रांसफर होने का स्क्रीनशॉट लेकर 9893488975 पर व्हाट्सएप करना है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस भी भेजना है जहां आपको ये VIP पास मंगवाना है। आप स्क्रीनशॉट के साथ उसी शहर के एड्रेस भेजें जहां आपको फिल्म देखनी है। फिल्म रिलीज होने के 3 दिन पहले आपको आपके शहर के पास वाले सिनेमाघर में फिल्म देखने के लिए टिकट भेज दी जाएगी। तो जल्दी करें, फिल्म देखें और करोड़पति बने। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की मेरी अपील पर भी ध्यान दीजिए, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं बहुजन समाज से जुड़ी तमाम ज़रूरी खबरें और सटीक विश्लेषण। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों। जय भीम, जय भारत।